Pick up the phone. हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज आर्यन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का जो ये वीडियो है मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आपको तो टाइटल और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो आज क्या होने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं मेरी लाइफ की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग। आपके मन में एक सवाल आता रहेगा कि मेरी फर्स्ट एक्सपेंसिव चीज क्या है। उसके बारे में हम वो स्टेज तक नहीं पहुंचे कि हम उसके बारे में बताएं एंड ऑल, बट एक हिंट दे सकता हूं, हम उसके ऊपर राइड करते हैं और पागल की तरह किसी भी इंडिया के कोने तक जाके जाते हैं। समझ तो आया ही होगा आपको। तो ये जो चीज है आज हम लोग जो लेने जा रहे हैं वो मैं क्यों ले रहा हूँ, ऐसा YouTube ने पैसा भेजा इसके लिए नहीं, ऐसा ही मन किया इसके लिए ले रहा हूँ फिर भी नहीं। ये जो हम लोग ड्रोन लेने वाले इस पर मैंने बहुत बार सोचा। क्या सोचा हमने? मैंने सोचा पहली बात तो मैं खुद को एक ट्रैवलर समझता हूँ, फिर बाद में हूँ जो मैं ब्लॉगर एंड ऑल। और एक ट्रैवलर का मोटिव क्या होता है, एक ट्रैवलर अगर जो किसी जगह पे जाता है वो जगह की वो वाइब्स, वहाँ की वो सीन्स, वहाँ के वो फील्स अपने साथ वो मेमोराइज करके चले आए। और मैंने जितने भी आज तक इतनी ट्रैवलिंग की है, इतने खूबसूरत जगह पे गया हूँ, हर टाइम मैं जब भी वो जगह पे जाता था ऐसी खूबसूरती देख के मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता था कि काश अपने पास एक ड्रोन होता, मतलब एक अच्छा एरियल फुटेज आता और आपको भी वीडियो मजा आता और अपनी एडिटिंग तो वैसे ही खास होती है। तो सोचा था कि क्यों अपने चैनल में इसकी कमी है। तो मैं हर टाइम सोचता था कि ले लेंगे, फिर बाद में सोचता था कि नहीं, वो अपने बस की बात है ही नहीं। नीड जो है ड्रोन की है क्योंकि हम एरियल फुटेज के लिए अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि व्लॉगिंग कैमरा लेने के लिए अपने पास ऑप्शन है फोन, एडिटिंग करने के लिए ऑप्शन है हमारा फोन। तो अभी एरियल फुटेज के लिए तो हम क्या गोप्रो तो हमें फेंक के ऐसी एरियल फुटेज तो नहीं आएगी। तो ये पूरा मैं सोच के डिसीजन लेके सोचा कि चलो अब लेते हैं ड्रोन। डिफिकल्ट डिसीजन था बट फाइनली हमने डिसीजन कर लिया कि भाई अपने चैनल को चाहिए ड्रोन। तो फिर ये सब सोचने के बाद अभी कौन आया, 2 सेकंड में आया, यू आया। मैंने कल मीवी का चार्जर ऑर्डर किया था अमेजोन से, आज डिलीवर्ड हो गया। इसको तुरंत एक अनबॉक्स करते और देख लेते कि कैसा है, आपको भी पता चल जाएगा। ये देखो मीवी का चार्जर, क्योंकि अपने पास अभी इतनी चीज़ें आने वाली है ना, तो मैं सोचा कि ये अभी लेना वर्थ है। इसका वायर और ये इसका मीवी का चार्जर, तो अभी इसको रखते हैं बाजू में। चलो तो ये था एक डिसीजन मेरा फाइनल कि हम ले रहे हैं ड्रोन। तो फाइनली तो चलो अभी अपने को जाने हैं मुंबई CST। तो मुंबई CST में ऑब्वियसली आपको भी मालूम है मुंबई में ही बेस्ट कैमरा एक्सेसरीज, कैमरा, व्लॉगिंग, जो भी व्लॉगिंग स्टफ, फिल्म मेकिंग के जो भी स्टफ रहते हैं सब आपको मिलेंगे मुंबई CST बोरा बाजार में। और कहाँ पे नहीं, ऑलमोस्ट मुंबई के क्या पूरे महाराष्ट्र के जितने भी यूट्यूबर्स है वहाँ से ही खरीदते हैं। तो मैं भी सोचा चलो पहले विजिट किया हूँ, बट अभी ये टाइम वीडियो बना के जाते चलो। तो अभी अपने को रेडी होना है, तो चलो अभी रेडी होते। अक्सर सुना है लोगों को लगता है रेडी होने के लिए आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, हमको सिर्फ लगता है 2 सेकंड। क्या और रुको, ओए पैंट भी तो चेंज करना, थोड़ी ना शॉर्ट्स पे जाएंगे। चलो पैंट चेंज करते चुटकियों में, देखा हो गए ना पैंट चेंज। अपना और एक स्वैग होता है वो है अपनी कैप, कैप भी तो चाहिए। ये हुई ना बात, चलो अभी निकलते। नहीं, शूज भी बच गए। अभी हमको जाना है स्टेशन, तो अभी सीधा स्टेशन ही मिलते, अभी ज्यादा टाइम पास नहीं। तो यहाँ पे हमारे माइक ने दिया हमें वापस एक बार धोखा। तो यहाँ पे हम कहना चाह रहे थे कि हमारा ड्रोन आ चुका है, तो चलो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
सो यस गाइस, तो आपने अनबॉक्सिंग तो देख लिया रहेगा। थैंक्स लॉट राशिद भाई ये स्पार्क के लिए। तो अभी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे को घर तक लेके जाने की, ट्रेन से जाना है। तो थैंक्स लॉट राशिद भाई इसके लिए, और अच्छा प्राइस में मेरे को राशिद भाई ने दिया। तो राशिद आपको कुछ बोलना है? भाई का फॉलोअर्स पूरा हमारा पास आ जाओ, इनका तरफ से थोड़ा कुछ डिस्काउंट भी रहेगा। ओके, तो मेरा नाम लेके अगर आप आते हो तो राशिद भाई जरूर देंगे ना? यस। 2 hours later. सो यस गाइस, फाइनली अभी हमने ये घर पे ड्रोन लाया है। अनबॉक्सिंग तो आपने वहां पे देख ली होगी। वहां पे कैसा ना, राशिद भाई का जो शॉप है बहुत क्राउड रहता है, आप एनी टाइम विजिट करो वहां पे क्राउड रहता ही रहता है। तो वहां पे मैं ज्यादा व्लॉग नहीं किया, तो मैं सोचा कि घर पे ही बात करेंगे। तो इसके लिए मैं सोचा घर पे एग्जैक्टली बात करेंगे कि बॉक्स में क्या क्या आता है एंड ऑल। तो पहले बॉक्स में क्या क्या आता है आप एक बार ठीक से देख लो। बॉक्स में क्या है, एक शोल्डर बैग, इसको रखते हैं बाजू में। और भाई साहब आप थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ बराबर, खुल जा सिम सिम। तो ये सब सारी चीजें आती है बॉक्स में। एक होते शाने, दूसरे होते डेढ़ शाने, और तीसरा होता हूँ मैं। क्या हो गया मालूम है, मैंने मेमोरी कार्ड मंगाया, एक्चुअली मैं दो मंगाया था, 32GB का दो। बाद में वो 32GB का दो मंगाया गलती से, बाद में मैंने वापस रीऑर्डर किया दो वापस। तो इसमें अभी आ गए हैं टोटल चार। और मेरे मॉम को भी मालूम नहीं था कि कितना पे करना, मैं बोला भी नहीं था। मॉम ने 2000 कर दिया पे, और एक्चुअली करने का था 1000। तो वही बड़ा प्रॉब्लम हो गया। देखते हैं बराबर आया है क्या नहीं। तो ये देखो, 1, 2, 3, 4 हो गए टोटल, क्योंकि सब 32GB के। इतने 32GB के क्या करने, तो मैं क्या करूँगा, दो को वापस रिटर्न करूंगा और इसके बदले एक 64GB का ले लूंगा। भाई कभी नहीं करो। आप मेरे को पूछेंगे कि तूने ये DJI Spark क्यों लिया। ये जो Spark मैंने लिया है हमारे केसी भाई जो है उनकी बात सुन के लिया। If you're a novice, if you're new to drones, this is the way to go. Save the money and this thing's amazing. तो ऐसे हमारे कुछ केसी भाई बोले थे कि ये जो ड्रोन है बिगिनर्स के लिए तो बेस्ट है। अभी मैं इसको बैटरी नहीं लगा, आपको दिखाता हूँ। इसकी बैटरी फिक्स हो गई इधर सिंगल क्लिक और डबल क्लिक के बाद। फैन का आवाज सुनो। So, इसी तरह कुछ ड्रोन स्टार्ट होता है। गिम्बल भी देखो, ये देखो आप देख सकते हो क्या मालूम नहीं, जो गिम्बल है, फैन का बहुत आवाज आ रहा है ना, इसको बंद करते पहले। तो इसका जो गिम्बल है टू एक्सिस है। टू एक्सिस यानी सिर्फ ये ऊपर नीचे होता है, लेफ्ट राइट नहीं होता है। थ्री एक्सिस गिम्बल लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दोनों होता है। तो ये जो मेरा गिम्बल जो है ये टू एक्सिस का है, सिर्फ आप देख सकते हो ऊपर नीचे ही होता है और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो मेरा फोन है आईफोन SE उसी के ही साइज का है। अब यकीन नहीं करोगे, बहुत मतलब 5 इंच का रहेगा। ये देखो बहुत छोटा ड्रोन है। पहली बार जब अक्षित भाई ने मेरे सामने अनबॉक्स किया, लिटरली 2 सेकंड के लिए मेरे को हंसी आई थी कि इतना छोटा ड्रोन है। बोलते हैं ना छोटा दिखता ऊपर हाड़ू में, भाई ऐसा है ये चीज। और ट्रस्ट मी गाइस, जितने भी हमारे नेक्स्ट राइड वीडियोस, ट्रैवलिंग वीडियोस, जितने भी हम लोग किधर भी जाएंगे इसको साथ लेके ही जाने वाले हैं। तो ये ड्रोन जो मैंने लिया है किस पैसे से लिया है, मेरे जो यूट्यूब मर्निंग का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया कि उससे एक ड्रोन ले सकते है। तो बताता हूँ सीन क्या हो गया। मेरे पास उतने डॉलर्स थे बट मेरे को मालूम नहीं था कि वो पूरे डॉलर्स आते। फॉर एग्जाम्पल मेरे 500 डॉलर से मेरे को पूरे 500 मिलेंगे ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 500 है तो 400 आएंगे, और 400 डॉलर जो आएंगे उसके ऊपर भी आपको टैक्स लगेगा। हाँ वो टैक्स मेरे को बोले 300 लगेगा, बट 900 लिया मेरे से, क्या मालूम क्यों, एक्सिस बैंक का मेरा था। तो उन लोग ने कॉल आया, आपका फॉरेक्स का पैसा आया, अब प्लीज प्रूफ दिखाने के लिए बैंक में आओ। तो फिर बाद में उन्होंने मेरे को एक लेटर दिया, लेटर में मेरे को साइन करना पड़ा। फिर साइन करने के बाद विद इन 6 hours में मेरे अकाउंट में पैसे आए, और अकाउंट में पैसे आए मेरे को तो लगा उससे ड्रोन आ जाएगा, बट वो कम पैसे थे क्योंकि आधे पैसे मेरे कट हो गए थे और आधे पैसे अकाउंट एडसेंस अकाउंट में थे। तो मैं सोचा पूरे तो नहीं आए, तो अभी इससे ड्रोन तो नहीं ले सकते। तो मैं सोचा कि ये जो मनी है इसी बैंक में रखते हैं, और हमारी जो सेविंग्स है सेविंग से ले लेते हैं ये ड्रोन, और वो जो पैसा है यूट्यूब के लिए यूज करेंगे, बट थोड़ा अलग कुछ चीज ले लेंगे, बैटरीज एंड ऑल जो भी है। तो ये जो लिया है मेरे सेविंग्स के मनी से लिया है, क्योंकि यूट्यूब ने तो हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं। ये मेरे को ड्रोन जो पड़ा है 41,000 में पड़ा फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ। अगर फ्लाई मोर कॉम्बो के साथ नहीं लेते तो अराउंड 39 तक पड़ जाता है, ऐसे मेरे को लगता है। सो ऐसा कुछ कहानी था हमारी स्पार्क ड्रोन लेने की, 41,000 में पड़ा। आई होप आपको भी इसका रेट पता चल गया रहेगा, तो प्लीज आप पूछो मत कितने में पड़ा है नॉल। सो पहली बार हमारे ये जो वीडियो में 3 प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। पहला था मीवी का चार्जर, सेकेंड था ड्रोन, ये तो आपने वहां पे ही देख लिया, थर्ड था उसके बारे में अभी भी हंसी आ रही है। आप कभी भी प्रोडक्ट मंगाओ भाई में मत मंगाओ। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अरे रे रे, अभी तो ड्रोन शॉट भी देखना बाकी है, बट ड्रोन शॉट के बाद मैं कुछ बकबक नहीं करने वाला हूँ। तो ड्रोन शॉट के बाद अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले। बाय बाय,
टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. और हाँ, जाते जाते ड्रोन शॉट जरूर देख के जाना और लाइक भी करके जाना. बाय.